फॉर्च्यूनर खरीदने का टिप्स तो अभी हम निहाल से पूछते रहेंगे, धीरे 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 करते हैं। 0.5 पे किया हुआ है, इसमें दोनों आदमी का फेस फोटो है। बैक टू दिस रॉडर्स ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का जो यूनिवर्सिटी है वहां पे। और पहले मुजफ्फरपुर नॉर्मल सिटी था, लेकिन अब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आप सभी का स्वागत है। और यहां पे लेके चल रहे हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का एरिया। और हमको लगता था कि पहले कि एल एस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन पहली बार अभी पता चला कि ये जो है कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा सा दूसरा चीज़ है। यहाँ पर रहते हुए मतलब 23-24 साल हो गया है, लेकिन अभी पता हमको चला कि यार ये यूनिवर्सिटी को दूसरा है। आई इसके बारे में हमको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे जो कोई लोकल वोकल हो, जो स्टूडेंट वगैरह हो, उन सबसे कुछ कुछ पूछते हैं कि यहाँ पे कितना कुछ है, कितना कुछ दिखा सकते हैं, क्या क्या है। अग्नि सेवा यहाँ पे लगी हुई, अग्नि सेवा जो है बिहार अग्निशमन सेवा, तो आप ऐसा कुछ होता है तो यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी कुछ अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। हालाँकि अभी कुछ खास आइडिया है नहीं कि कितना कुछ है यहाँ पे। जो कोई यहाँ पे लोकल होंगे उनसे पूछेंगे कितना कुछ है यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल लेंगे और फिर देखेंगे कि आगे कितना कुछ है। तो आप पीछे देख सकते हैं कुलपति आवास, यानी कि वीसी साहब का घर है, वाइस चांसलर का, जहाँ तक हमको लगता है वाइस चांसलर ही होता है ना, कुलपति आवास कंफर्म नहीं है, लेकिन वीसी साहब का ही है ये आवास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आगे आइए दिखाते हैं यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है इस यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में कुछ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस। यहाँ पे हमको पता नहीं था, नहीं हमको पता है कि यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस इधर है, और मेन यूनिवर्सिटी जो है उसका जो मेन ऑफिस है वो कुछ इधर है। उसके बारे में अभी अंदर जाने का देखते हैं इच्छा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मेरा कुछ खास काम है नहीं। अभी देखते हैं कि आगे कुछ काम हो तो सही है, नहीं तो फिर लौट जाएंगे। देखते हैं यूनिवर्सिटी का कहाँ कहाँ गेट है। हालांकि यूनिवर्सिटी में अभी आप यहाँ पे एक तो डाक घर का जो है, डाक ऑफिस जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये डाक ऑफिस है, यहाँ पे भारतीय डाक सेवा का आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी काम वगैरह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ही से होता है। लाइब्रेरी साइंस का, अच्छा तो ये BRBU का जो है लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट है ये, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अंदर अभी तो कुछ खुला हुआ है ऑफिस वगैरह, अभी अंदर चलिए थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि हम पहली बार आए भी हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे दिखेगा ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी खुला हुआ यूनिवर्सिटी चल रहा है। अभी यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो है कि चल रहा है, कुछ कुछ अभी बंद है। और आगे इसका कुछ खास डिटेल मेरे पास तो है नहीं, लेकिन हम एक एक चीज़ पूछ पूछ के आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितना कुछ है यहाँ पे। हालांकि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, हम पहली बार आए हैं, हमको भी पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी कुछ इतना बड़ा है। हमको लगता था पहले कि एल एस कॉलेज जो है कि मेन यूनिवर्सिटी है, लेकिन BRBU का जो मेन ऑफिस यहीं पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मेरे अंदर क्यों है सर, तो पॉइंट ये है कि यहाँ से मैं इस यूनिवर्सिटी से कभी पढ़े नहीं हैं, और कभी यहाँ पर आने का अवसर भी नहीं मिला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी रहा है कि RPS वगैरह से ही पढ़ाई करके, 10th में सेंट जोसेफ, 12th में RPS, तो बाद बाकी BRBU का चक्कर लगा नहीं, उसके बाद बाहर चले गए थे पढ़ने, तो कुछ खास आइडिया है नहीं। लेकिन पूछ पूछ के आइडिया हम कलेक्ट करते हैं, फिर आपको देते हैं। फिलहाल सॉरी, बने रहिए आगे। चलिए यूनिवर्सिटी में हम लोग यूनिवर्सिटी से होते हुए इस कॉलेज की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे भाई लोग प्रैक्टिस कर रहा है। और पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का जो हिस्सा है, यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं ये है यहाँ पे। तो इलेस कॉलेज में इतना बड़ा है, हम कभी इस तरीके से घूमे नहीं हैं, पहली बार इधर आ रहे हैं। तो ये बींग ए ब्लॉगर आपके लिए भी शॉकिंग हुआ। हालाँकि भाई लोग क्रिकेट खेल रहा है, भाई लोग का भी शॉट लेते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहा है। आइए भाई लोग का शॉट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। देखिए इस पिच पटकी हुई गेंद यहाँ पे क्या कर पाते हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आउट हो सकते थे, देखना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर पटकी हुई गेंद, काफ़ी थाई पे मार रहा है, तो काफ़ी अलग अलग लेवल है भाई, एक से एक लेवल है भाई। इधर से इस भी तेज़ गेंद, काफ़ी तेज़ गेंद, इसको एकदम वेल प्लेट कर रहा है भाई, एकदम ग्लव्स व्लव्स पहने हुए भाई लोग, ड्यूज के बॉल से खेल रहा है। उधर ज़्यादा रिस्क लेने का है नहीं, क्योंकि दूर रहने का चोट लगता है बहुत भाई, ड्यूज के बॉल से बहुत चोट लगता है। और निहाल से पूछ लेना है कि ये फॉर्च्यूनर से चलेंगे क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है कि किस तरीके से ही 15 दिन में फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीद ले। हम लोग भी कुछ टिप्स बताई, क्योंकि ब्लॉगिंग से तो कुछ हो नहीं रहा। एक इधर प्लेयर हमारे मोहल्ले से भी आया हुआ है, दिनबंधु जी का बेटा, यहाँ पे खेल रहा है, बोल रहा है भैया राहुल नगर में कि नहीं पहचाना, होता है कि आप हमारे कैंपस में एक बार कचरा फेंक दिए थे कि अच्छा हाँ 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 याद है, याद ठीक है।
अलग अलग रीजन से लोग पहचान रहे हैं। सामने यूनिवर्सिटी है एलएस कॉलेज का, ये तो यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं, सामने एलएस कॉलेज का हिस्सा है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये सामने बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो एलएस कॉलेज का एरिया है। और यहाँ थोड़ा सा आपको और एक्सप्लोर करवाते हैं यूनिवर्सिटी को, और थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग जो है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, ये है विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। तो BRABU का जो कैंपस है उसको आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हालांकि एक्सप्लोर करने का कुछ खास है जो है कि ऑफिस वगैरह में आपको ले जाकर तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जितना भी डिपार्टमेंट हम खुद ही पहली बार इस तरीके से घूम घूम के देख रहे हैं कुछ भी चीज़। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या है निहाल भैया, पता नहीं कौन सा कॉमर्स कोर्स करने गए हैं आज। लग रहा है लीजेंडर 2 भी खरीदेंगे। बने रहिए, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं निहाल भी हमारे साथ है, बताइए ना, हम लोग को भी थोड़ा ट्रिक दीजिए ना कि किस तरीके से, मतलब कि फॉर्च्यूनर जनरल हम लोग ही खरीदे, कौन सा कोर्स करना होगा इसके लिए BRABU से बताइएगा। तो कोर्स का क्या जरूरत है यार, अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छे से कुछ अच्छा चीज में जॉब करो, और नहीं तो बिजनेस करना है बिजनेस करो। फॉर्च्यूनर कोई बड़ा चीज थोड़ी ही है, फॉर्च्यूनर बड़ा चीज नहीं है, 50 लाख रुपया देना पड़ता है। सामने कुछ देखिए, सामने नजारा देखिए। चलिए, तो ये फॉर्च्यूनर खरीदने का टिप्स तो अभी हम निहाल भैया से पूछते रहेंगे धीरे 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 कर करके। चलिए, तो इस ब्लॉग करते यहीं पे समाप्त। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर कोई भी अगर आपका सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वीडियो जय हिंद पे समाप्त होता है। अब ये मंत्री उतरी है गाई।